देश के कई अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस से सावधानी बरतने हुए शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस फैसले के तहत सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, मदरसा, SSK 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। विदेशी मेहमानों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य कोलकाता के होटलों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस के आतंक से विक्टोरिया मेमोरियल बंद कर दिया गया। जो भी पर्यटक विक्टोरिया मेमोरियल के गेट तक भी पहुंच रहे हैं, उन्हें वहां नोटिस लगा मिला, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते फिलहाल विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर प्रवेश निषेध है। विक्टोरिया मेमोरियल के अलावा इंडियन म्यूजियम को भी कोरोना वायरस के चलते बंद रखा गया है। তো যারা আসছে দেখতে তাদেরকে কি বলা হচ্ছে? তাদের বলা হচ্ছে ভাইরাস হচ্ছে, এই জন্য বন্ধ আছে। उल्लेखनीय है कि चीन में कहर बरपाने के बाद जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार लिए हैं। भारत में अब तक 3 लोगों के इस वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। करीब 81 लोग इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के जो स्टेप लिए छे, नो डाउट इट इज अ सिक्योरिटी सेफ्टी हिसाब से ভালো স্টেপ নিয়েছে। তো যেহেতু আমরা বাইরে থেকে এসেছি, আমাদের সেটা কোনো আমাদের ইনফরমেশন নেই। সেই ধরনের ইনফরমেশন যদি গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ধরনের মিডিয়াতে বা পাবলিশ করা হলো তাহলে সুবিধা হতো। কারণ অনেক দূর থেকে আমরা আসছি একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে, তো সেই বিষয়ে তো আমরা অন্য কোথাও প্ল্যান করতাম। তো সেটা হচ্ছে কি পার্টিকুলারলি যারা বাইরের আউটসাইড কলকাতা, ওটাই আমার কনসার্ন।